दादी माँ, रवि हमें किडनैप करके लेके गया था और हमने उसे अपने पास तक नहीं आने दिया। हम सच कह रहे दादी माँ, हमारा विश्वास करिए, हमें तुम पर पूरा विश्वास है मिश्री बेटा, है ना मौसी जी? कतई नहीं। राम भला करे, ये कौन है, कहां से आई है, किसका गंदा खून है इसके अंदर, हमको क्या पता? हम ऐसे कैसे विश्वास कर ले भैया? इनफ। आप लोगों को मिश्री पे भरोसा नहीं करना, मत करिए। मैं मिश्री पे भरोसा करता हूँ। तो इससे बोल कि अपनी पवित्रता का प्रमाण दी थे। अम्मा तो सही कह रही है, कोर्ट में तो यही करता है, अब घर में भी यही कर दे। और अगर साबित नहीं कर सकता ना, तो अम्मा की बात मान ले। हाँ, कि वन पीस में आई तो है, लेकिन वही इज्जत और सम्मान के साथ नहीं, ठीक है ना? सरदार तो ये कभी थी ही नहीं, बस अपनी सच्चाई का प्रमाण दे दे, इतना ही बहुत है। और ना कह दे इससे कि घर छोड़ के अभी इसी वक्त चली जाए। हम प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए टूट गया था दी, लेकिन किसी लड़की का कैरेक्टर और उसकी इज्जत कांच से नहीं बने होते कि कोई भी एरा गेरा आए और उसे फेंक के चकना चूर कर दे। रवि मिश्री को उठाकर ले गया था, इसमें रवि की बेइज्जती है, मिश्री की नहीं। रवि गिरा हुआ है। मिश्री का दर्जा आज भी मेरी नजरों में उतना ही ऊंचा है जितना कल था और हमेशा रहेगा। और उसे आपकी इस नकली और आउटडेटेड कोर्ट में कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। चलो मिश्री। मान जा, जिद छोड़ दे अपनी, वरना बुढ़ापे में किसी से आंखें मिलाने लायक नहीं बचेगी। आंखें तो उसकी झुक जाएंगी जीजी, क्योंकि उसकी सच्चाई का प्रमाण मिले बिना हम मानने वाले नहीं हैं। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बदतमीज लड़की अपनी सच्चाई का प्रमाण कभी नहीं दे पाएगी। दादी माँ को सिर्फ प्रमाण ही तो चाहिए ना, हम उनके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मिश्री रिलैक्स, तुम्हें इन सारी पुरानी बातों में मानने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। नीचे बातें नहीं हुई है अर्जुन, इल्जाम लगे हैं और हम पर लगे हैं, इसलिए आपके लिए सब कुछ कहना बहुत
इंसान है। अब दादी माँ से कहने जा रहे हैं कि हम उनकी हर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हमारा हाथ छोड़ो। तुम अपनी जिद छोड़ो मिश्री। मैं अभी नीचे सबसे लड़के आया हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम जाके उनकी बेकार बातें मान लोगी, सबको यही लगेगा कि तुम और मैं किसी बात पे अग्री नहीं कर पाते। तो लगने दो ना, पति पत्नी के बीच अनबन झगड़े होते ही रहते हैं। रियल पति पत्नी में हम पति पत्नी बनने का नाटक कर रहे हैं, रिमेम्बर? अब हमें साथ रहना होगा और ठीक एक साल बाद ये अनचाहा रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। नाटक करें तो हमारे इतने पास क्यों खड़े हो? हमारा हाथ क्यों पकड़ा रहे? हमें किस हक से रोक रहे हो आप अर्जुन? हमें जाने दो अर्जुन, दादी माँ हमसे बहुत नाराज है। हमें प्रमाणित करने दो कि हम बेकसूर हैं अर्जुन। हमें जाने दो अर्जुन, हमारा हाथ छोड़ो। I'm sorry, लेकिन तुम कुछ सुन ही नहीं रही थी। Now listen, दादी माँ जिद पे आ गई है। अगर तुम एक बार उनकी बात मानोगे तो सब एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम अगली बार भी उनकी बात मानोगे। ऐसे एक्सपेक्टेशन देके तुम अपनी लाइफ और डिफिकल्ट क्यों बना रही हो? और तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो, रोज मुझे ताने मारने के लिए नई बातें सोचती हो, तो फिर इन हजार साल पुरानी तकियानूसी बातों को तुम कैसे मान सकती हो? मिश्री, मिश्री, तुम किसी को कुछ नहीं प्रूव करोगे। दैट्स फाइनल। आराम करो, मैं फ्रेश होके आता हूं। आप घर छोड़ के नहीं जा सकती माँ। ए पुनी, पुनी सुनो।